असलम स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर तया बा बाबर वेलकम टू द क्लास टेक आउट यूर अकाउंट ऑन बुक टू लेट्स द वर्क ऑन दिस बुक टेक आउट पेज नंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन ऑन द बुक ओकेट्स द वर्क बिफोर वी स्टार्ट लेट्स री कॉल द वर्क दैट वी हैव डन इन द्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द नंबर इन वर्ड्स ठीक है हमने नंबर को वर्ड्स में लिखना सीखा था एंड द वर्ड्स इन नंबर और वर्ड्स को नंबर में कैसे लिखते हैं हमने वो पढ़ा था सो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क ऑन दिस पेज राइट डाउन डेट ऑन द पेज सिक्सटीन ट्वेंटी टू फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लास वर्क एंड थर्सडे राइट द सेम डेट ऑन द नेक्स्ट पेज ट्वेंटी टू फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लास वर्क एंड थर्सडे लेट्स स्टार्ट द पेज नंबर अप टू नाइन हंड्रेड एंड नाइंटी नाइन ऑर्डरिंग क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन बिफोर मीन्स नंबर से पहले आफ्टर मीन्स नंबर के बाद और बिटवीन मीन्स दोनों नंबरों के दरम्या नाउ लुक एट दिस थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी टू वैन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नंबर यू दैट कम्स बिफोर वैन यू आर राइटिंग द नंबर डेट कम्स बिफोर वट यू हैव टू डू यू हैव टू लुक एट द नंबर डैट इज़ इन वंस प्लेस वंस वाली प्लेस में जो लास्ट नंबर होता है राइट साइड से जो पहला नंबर कहलाएगा वो देखेंगे आप तो टू के पीछे आप क्या आएगा फोर्टी टू है फोर्टी टू के पीछे क्या आता है फोटी वन तो थ्री हंड्रेड फोर्टी वन इसके हमने पीछे लिख दिया एट हंड्रेड सिक्सटी वन सिक्सटी वन के पीछे क्या आता है सिक्सटी ठीक है तो एट हंड्रेड सिक्सटी लिख दिया इसी तरह थ्री हंड्रेड सिक्स के पीछे क्या आएगा थ्री हंड्रेड फाइव इसी तरह आप सारे रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वट कम्स आफ्टर वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन के बाद क्या आता है थर्टी तो वन हंड्रेड थर्टी लिख दिया आपने नेक्स्ट देखें सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर तो सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर के बाद क्या आएगा थर्टी फाइव इस तरह फाइव हंड्रेड फोर्टी एट के बाद फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन राइट अब नंबर्स दैट कम्स बिटवीन बिटवीन में क्या होता है आप बिफ़ोर वाला भी लिख सकते हैं आफ्टर वाला भी लिख सकते हैं तो आफ्टर वाला ज़्यादा ईजी है आप वो लिख लें सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो नाइन्टी नाइन के बाद नेक्स्ट हंड्रेड आ जाता है तो एट हंड्रेड हो जाएगा राइट right? सेवन के बाद कौन सा हंड्रेड आता है एट हंड्रेड फिर देख लें फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री के बाद फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड नाइनटीन के बाद थ्री हंड्रेड ट्वेंटी राइट इसी तरह बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस पूरे पेज पे खुद सॉल्व करेंगे दिस इज वेरी इजी वर्क कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर्स अप टू नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन लेस देन और ग्रेटर देन अब लेस देन और ग्रेटर देन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना पे हंग्री क्रोकोडाइल हैज फाउंड टू बिग नंबर्स ही वॉन्ट्स टू ईट द ग्रेटर वन बट विच नंबर इज ग्रेटर दिस इज़ दंगरी क्रोकोडाइल ही इज़ हंगरी ठीक है नाव ही इज गोइंग टू ईट द नंबर दैट इज़ ग्रेटर क्योंकि वो भूखा है ठीक है तो उसको ज़्यादा भूख लगी हुई है वो फिर जो बड़ा नंबर है वो खाना चाह रहा है हेर इज़ द नंबर टू हंड्रेड एंड फोटी नाइन एंड थ्री हंड्रेड एंड फोटी एट ओके वेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द नंबर्स वट यू विल डू यू विल लुक एट द फर्स्ट टू नंबर्स पहले दोनों के डेटेड सीखने दिस इज़ द फर्स्ट टू हंड्रेड फोर्टी नाइन इसका पहला नंबर टू है थ्री हंड्रेड फोर्टी एट में पहला थ्री है वट इज़ विच इज ग्रेटर बड़ा कौन सा है थ्री इज ग्रेटर सो दिस होल थ्री हंड्रेड फोर्टी एट इज ग्रेटर सो द हंगरी कोकोडाइल इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी एट तो हंग कोकोडाइल का फेस जो है ओपन माउथ जो उसने किया है वो थ्री हंड्रेड फोर्टी एट की तरफ खाने के लिए मुंह खोल लिया ठीक है आप देख सकते हैं अब हमने हर आंसर में ऐसे पूरा कोकोडाइल का फेस तो नहीं बना सकते इसलिए हमने कोकोडाइल के फेस को इस तरह से लाइन की तरफ बना लिया थ्री हंड्रेड फोर्टी एट की तरफ ओपन कर दिया ठीक है सो दिस इज बंद वाली साइड स्मॉलर को रिप्रेजेंट कर रही है और ओपन वाली साइड ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर रही है अंडरस्टैंड नाउ राइट द लेस नंबर एमपडी बॉक्सेस ठीक है अब ए पार्ट देख लें थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन और फाइव हंड्रेड फोर्टी एट यहाँ थ्री है यहाँ फाइव है विच इज ग्रेटर दिस फाइव इज ग्रेटर तो अग्रिको को डायल का माउथ हम इस तरफ ओपन कर देंगे बी पार्ट में देखें दिस इज टू एंड दिस इज वन 219 हंड्रेड सो टू इज ग्रेटर हंग्री क्रोकोडाइल का मतलब माउथ जो है वो इस साइड पे ओपन हो गया लुक एट द थर्ड पार्ट 492 नाइन्टी फोर एंड फाइव हंड्रेड एंड एटी नाइन फोर और फाइव को कंपेयर करें फाइव इज ग्रेटर तो हंगरी काकोडाइल का वेस इस तरफ ओपन हो गया ठीक है अब बाकी जो बात डी से लेके आपका एल तक पार्ट्स हैं वो आप इसी तरह कंपेयर खुद करेंगे और उनको खुद सॉल्व करके आंसर्स लिखेंगे दिस दिज टू पेजेस आर वेरी इजी आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज टू पेजेस और अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन शह विल स्टार्ट दैक्सट पेज पेज नंबर एटीन इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अलाफ